हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन बुटीक। सो गाइस, आज मैं आपको चार कली की सलवार बनाना सिखाऊंगी। सो, इसकी परफेक्ट कटिंग कैसे की जाती है, सो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइस। सो गाइस, यहाँ पर ये देखिए, हमने केवल 2 मीटर फैब्रिक लिया है। सो 2 मीटर कपड़े में ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सो गाइस, ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ इसके बेल्ट की कटिंग कर लेना है। सो गाइस, ये देखिए, यहाँ पर ये जो साइड से फैब्रिक है हमारा, यहाँ से हम इसकी जो लंबाई है वहाँ से बेल्ट की कटिंग करेंगे हम। सो हमारी जो फुल तैयार की जो लेंथ है हमारी तैयार, वो है 38 इंच यहाँ पर। एंड गाइस, 38 में से ये देखिए हम 6 इंचेस का बेल्ट रेडी करेंगे। सो उसके लिए ये देखिए, हम चौड़ाई रखेंगे बेल्ट की, वो रखेंगे 8 इंच, क्योंकि हमें दो इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। सो ये देखिए, हमने यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर ली है। एंड अगेन गाइज, यहाँ पर हम मार्क करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज, बेल्ट की चौड़ाई हमने यहाँ पर करीब 23 इंच रखना है। सो क्योंकि हिप के अकॉर्डिंग, हिप हमारी 21 इंच, सो उसमें 3+ ऐड कर लेंगे हम लूजिंग के लिए। सो फैब्रिक कम है हमारे पास बेल्ट का, तो उसमें हम जोड़ लगा लेंगे गाइज बाद में। सो ये देखिए, बेल्ट हमने कटिंग करा है। देन अगेन यहाँ से हम इसको फोल्ड करके रखेंगे। पहले हमने इसको डबल करा है। सो गाइज, ये खड़ा फैब्रिक है, आप इसको चौड़ाई में भी फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर हम इस तरह से इसको बराबर तरह से मिलाते हुए फोल्डेड कर रख लेना है गाइज। सो चारों पार्ट को हम बराबर तरह से मिलाते हुए फोल्ड करेंगे। देन अगेन यहाँ पर हमें लंबाई का मेजरमेंट कर लेना है। सो ये देखिए गाइज, पहले से हमने बेल्ट की कटिंग करी है एंड इसको बराबर फोल्डेड करेंगे हम यहाँ से। एंड पहले हम इसकी लंबाई देख लेते हैं यहाँ पर कितनी आ रही है गाइज। सो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने फोल्डेड कर लेना है इसको। सो ये देखिए, बिल्कुल बराबर तरह से बिछा लेंगे हम, सल नहीं आना चाहिए इस पर। एंड अगेन हमें लंबाई रखनी है करीब यहाँ पर 34 इंच। सो ये देखिए, हम यहाँ पर इसके लेंथ रखेंगे। सो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं। सो गाइज, ये देखिए, यहाँ पर 30 इंच है। सो हम इसको बराबर करेंगे। सो गाइज, ये देखिए, यहाँ से हमने इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग बराबर तरह से कर लेना है फोल्डेड। सो गाइज, जो भी आपकी लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लंबाई रख लीजिए और 6 इंचेस का माइनस करके वो आपकी लेंथ हो जाएगी, और उस पर आपको 2+ एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए निकालना है। सो ये देखिए गाइज, हमारी यहाँ पर 32 इंच की लंबाई है एंड इस पर हमने 2+ एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लिया है। सो ये देखिए गाइज, फोल्डेड कर लिया हमने यहाँ पर बराबर तरह से। देन अगेन गाइज, यहाँ पर हमें इसकी लंबाई का मेजरमेंट करना है। सो ये देखिए गाइज, यहाँ से हम ऊपर से इसकी लंबाई का मेजरमेंट करेंगे। सो वो है यहाँ पर 34 इंच। सो बराबर 34 इंच आ गया है। देन अगेन इसका हाफ करेंगे हम 34 का। सो वो आया यहाँ पर 17 इंच। सो गाइज, ये देखिए, 17 इंच पर हम यहाँ से ऊपर से मार्क कर लेंगे। एंड मेरी वाली साइड खुली हुई साइड है गाइज, ये देखिए यहाँ पर। एंड अगेन यहाँ पर हमें मोहरी का मेजरमेंट कर लेना है। सो वो वाली साइड क्लोज है, बंद। सो हमने मोहरी के लिए 8 इंच पर मार्क किया है। एंड अगेन गाइज, ये दोनों पार्ट को हमें यहाँ से तिरछा मिला लेना है जहाँ पर हमने 1/2 इंचेस पर निशान लगाया था। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पर हमने इस तरह से मिलाया इसको। देन अगेन इस निशान पर हमने कटिंग कर लेना है। सो ये देखिए गाइज, जो हमने कटिंग कर लेना है यहाँ पर, एंड ये वाली जो साइड से फैब्रिक निकलेगा ये हमारी कली हो जाएगी। सो ये देखिए गाइज, बहुत ही इजी तरीके से कटिंग हो जाती है सलवार की। एंड अगेन गाइज, यहीं से हमें क्रोच एरिया की भी कटिंग कर लेना है। सो ये देखिए, यहाँ पर हमने जो निशान लगाना है वो लगाना है करीब 5.5 से 6 इंच पर हमने यहाँ पर। सो ये देखिए, बिल्कुल 5.5 इंचेस पर मैंने निशान लगाया है। एंड अगेन इसको हम कट कर लेंगे। सो ये देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे हम यहाँ से क्रोच एरिया की कटिंग कर लेंगे। सो ये देखिए, यहाँ पर क्रोच एरिया की कटिंग हो चुकी है। सो ये 5 इंचेस की है। एंड यहाँ पर ये हमने मियानी भी कटिंग कर ली। सो ये मियानी कट हो जाएगी यहाँ से। एंड अगेन गाइज, ये वाले फैब्रिक को हम यहाँ पर रखेंगे। एंड ये जो चारों पार्ट हमने कट की कली है हमारी, ये देखिए, ये यहाँ पर स्टिच हो जाएगी। सो इसे हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर। एंड ये वाली जो मियानी हमने कट करी है वो यहाँ पर हम रेडी कर लेंगे। सो ये देखिए गाइस, चारों पार्ट हमने कट कर लिए। एंड ये अगेन जॉइंट फैब्रिक है यहाँ से। इसको कट करते हुए हमें दोनों पार्ट अलग अलग कर लेना है। सो गाइस, साथ में सिलाई भी बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह से इसकी सिलाई की जाती है। सो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा आप। सो ये देखिए गाइस, यहाँ से हमने ये चारों कलियाँ यहाँ ज्वाइन कर लेना है। सो गाइस, चलिए हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, आप अलग से और घेर वाली सलवार भी बनाना चाहते हैं तो 2.5 मीटर कपड़े में हमने किस तरह से बना रखी है, सो उसकी वीडियो भी हमने स्टेप बाय स्टेप बना रखी है। सो आप वो भी हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर।
तो ये देखिए गाइस, सबसे पहले हम बेल्ट पर जोड़ लगा लेंगे। सो हमने यहाँ पर फैब्रिक कम था इसलिए अलग से फैब्रिक ज्वाइन कर लेना है। सो इसके साथ का मैचिंग कर लीजिए या अलग हो तो अलग भी कर लेंगे हम। सो गाइस, बेल्ट हमने ज्वाइन कर लिया है। देन अगेन यहाँ पर हमें सबसे पहले कली स्टिच कर लेना है। सो ये देखिए, हमने जो बड़ा पार्ट है वो हमने नीचे रखा है एंड कली को ऊपर की साइड पर रखा है। एंड अगेन यहाँ पर वन पैर की स्टिचिंग कर लेना है हमें। सो ये देखिए, यहाँ पर हम सीधे सीधे सिलाई लगाते हुए इसे ज्वाइन करेंगे। सो ये देखिए गाइस, एक कली हमने ज्वाइन कर ली है। देन अगेन यहाँ पर सेकेंड वाली कली भी रेडी कर लेना है हमें सिलाई लगाकर। सो ये वाली कली हम इस तरह से रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर। सो दोनों कलियाँ हमें बिल्कुल सीधी सीधी स्टिच कर लेना है गाइस, ये देखिए। तो गाइस, इसी की तरह हमने जो चारों कलियाँ हैं वो सेकेंड वाले पार्ट पर भी रेडी कर लेना है। सो चारों पार्ट हमें इसी तरह कंप्लीट करते हुए रेडी कर लेना है गाइस। तो ये देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे हमने यहाँ पर सिलाई लगा कर रेडी कर ली है एंड चारों पार्ट हमें कंप्लीट करना है। सो गाइस, चारों पार्ट कंप्लीट होने के बाद देन अगेन हमने ये जो म्यानी की कटिंग करी है वो स्टिच कर लेना है। सो ये चारों पार्ट अलग अलग है। सो पहले हम इसे सेंटर से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये एक पार्ट पर हमने सिलाई लगाई है। देन अगेन सेकेंड वाला जो पार्ट है हमने उसे भी डबल करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमें सीधी सीधी स्टिचिंग कर लेना है। देन अगेन सिलाई लगाने के बाद हम इसको फ्रंट साइड पर पलट लेंगे एंड एक इसके ऊपर हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। सो ये देखिए गाइस, दोनों हम इसी तरह कंप्लीट करते हुए रेडी कर लेंगे। सो ये देखिए गाइस, सिलाई लग चुकी है। देन अगेन हमने इसको अलग अलग कर लेना है कट कर कर। सो गाइस, ये देखिए, हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इसको जो हमने कली अटैच्ड कर ली है एंड अगेन जो क्रोच एरिया है वहाँ पर हमें इसे स्टिच कर लेना है। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पर इस तरह से हम रखेंगे इसको। सो ये वाला पार्ट नीचे का वो सीधा है एंड कली वाला म्यानी का जो हिस्सा है वो उल्टा रखा हमने। एंड अगेन यहाँ पर हमें वन पैर की स्टिच कर लेना है। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। देन अगेन फिर से हमने इसको पलट लेना है एंड इसके फ्रंट साइड पर हम किनारे पर इस पर सिलाई लगाएंगे। सो ये देखिए गाइस, बिल्कुल किनारे पर हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेना है। सो गाइस, इसी तरह हमने जो दूसरी तरफ है वो म्यानी भी स्टिच कर लेना है। सो ये एक ही पार्ट पर हम दोनों म्यानी स्टिच कर लेंगे गाइस। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पर इस तरह से हम दोनों म्यानी इसी पर रेडी कर लेंगे। सो ये देखिए, जिस तरह से हमने वो वाली स्टिच करी है सेम उसी प्रोसेसिंग से हमने यहाँ पर ये वाली सिलाई भी रेडी कर कर इसको अटैच्ड कर लेना है। सो ये देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे सिलाई लगाने के बाद हमने इसको फ्रंट साइड पलट लिया एंड इसके किनारे पर भी सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है। देन अगेन गाइस, हमने यहाँ पर प्लेट्स बनानी है। सो ये देखिए, हमने एक बेल्ट के सेंटर पर कट लगा लिया है। सो यहीं तक हमें प्लेट्स डालनी है। एंड अगेन गाइस, हमने यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स बनानी है। सो पहले हम 3 से 4 इंच सीधी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हमें प्लेट्स बनाना है। सो ये देखिए, जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से सलवार की प्लेट्स बनाई जाती है एंड आप चाहो तो छोटी बड़ी भी बना सकते हैं। एंड गाइज, हमने बेल्ट पर ये पिंक कलर का फैब्रिक अटैच करा है क्योंकि हमारे पास इसकी मैचिंग का फैब्रिक नहीं था। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पर इस तरह से हमने प्लेट्स बनानी है। सो गाइज, पहले हम सीधी सीधी सिलाई लगाई है करीब हमने 3 से 4 इंच, उसके बाद हमने प्लेट्स बनाना रेडी किया है। सो गाइज, इसकी डायरेक्शन मैंने मेरी तरफ रखी है। देखिए, सारी प्लेट्स की डायरेक्शन मैं मेरी तरफ रखती जा रही हूँ। सो इसको सीधा करेंगे हम तो ये डायरेक्शन वो तरफ को हो जाएगी। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पर इस तरह से हम सारे प्लेट्स जो चुन्नटे हैं वो सेंटर पार्ट तक डालनी है हमें। सो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमें करीब 1 इंच चौड़ी प्लेट्स लगाई थी। आप चाहो तो इससे छोटी बना सकते हैं या इससे बड़ी भी बना सकते हैं एंड इसी के साइज़ की भी बना सकते हैं। सो ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग से प्लेट्स बनाना है हमें। ऊपर नीचे नहीं करेंगे हम फैब्रिक, बिल्कुल जो सिलाई वाला फैब्रिक है उस जो नीचे से बेल्ट वाला फैब्रिक है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये प्लेट्स बनानी है। तो ये देखिए गाइस, लास्ट का जो फैब्रिक है सेंटर पार्ट तक हमने बिल्कुल 4 से 5 इंच तक सीधी सिलाई लगा ली है। फिर से हमें यहीं इसी डायरेक्शन पर प्लेट्स बनानी है। सो ये देखिए गाइस, उधर हमने जितना डिस्टेंस रखा था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर भी सीधी सिलाई लगाई है। फिर से हमें प्लेट्स बनाना है। सो गाइस, ये वाली प्लेट्स की हम डायरेक्शन उस तरफ रखेंगे। सो जो हमने उधर प्लेट्स बनाई है उसकी डायरेक्शन मैंने मेरी तरफ रखी थी एंड ये वाली प्लेट्स की डायरेक्शन हम उस तरफ रखेंगे उधर। सो गाइस, ये दोनों प्लेट सीधी होने के बाद बिल्कुल फ्रंट साइड की तरफ आ जाएगी। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पर इस सारे फैब्रिक के हमें चुन्नटे बना लेना है जिस तरह से हमने आपको बताया है वो वाली तरफ। सो सारी चुन्नटे हमने यहाँ पर बनाकर रेडी कर लेना है गाइस उस डायरेक्शन में।
सब प्लेट्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ये सेंटर वाला पार्ट है, इस पर हमें सिलाई लगानी है गाइस। सो आप सीधा बेल्ट के ऊपर से भी सिलाई लगा सकते हैं एंड जहाँ से आपने फैब्रिक को अटैच्ड किया वहाँ से भी लगा सकते हैं। सो ये देखिए हमने दोनों पार्ट जहाँ से मिलाए हैं वहीं से हम स्टिच करेंगे इसको। सो ये देखिए गाइस बिल्कुल दोनों पार्ट को मिलाते हुए हमें क्रोच एरिया से स्टिच कर लेना है। ये देखिए सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पर एंड ये मियानी वाला जो क्रोच एरिया है वहाँ से हम सेकेंड वाले फैब्रिक पर इसको अटैच्ड कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर इस तरह से हमें ये वाला पार्ट रेडी कर लेना है एंड इसको फिर से हमें सीधा कर लेना है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से हम ओपन करेंगे इसको एंड सीधी साइड पर इसके किनारे पर सिलाई लगानी है हमें। बेसिकली गाइस जो भी हमने पहले जो सिलाई अटैच्ड करी है एंड उसके किनारे पर सिलाई लगाई है सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर इसके किनारे पर सिलाई लगा लेना है। सो बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई हमारी दिखती है। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर जो नीचे का सिलाई वाला फैब्रिक है उसको एक तरफ पलट लेंगे हम एंड उसी के ऊपर हमें सीधी सीधी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए गाइस यहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी, देन अगेन यहाँ से हम इसको लॉक कर धागा कट कर लेंगे एंड आप चाहो तो बेल्ट के ऊपर तक भी सिलाई लगा सकते हैं। सो ये देखिए गाइस यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जो हमने प्लेट्स बनाई थी ये इसका जो फैब्रिक है हम ऊपर की तरफ रखेंगे एंड उसकी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सो करीब वन पैर की जो हाफ फुट होता है उस तरह से हम सिलाई लगाएंगे गाइस, ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना हमें। सो ये देखिए गाइस यहाँ पर इस तरह से एंड बिल्कुल किनारे पर भी नहीं लगाना है, थोड़ी दूरी पर लगाएंगे हम। सो गाइस ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर हम सिलाई लगाकर सीधे सीधे इसको रेडी करेंगे। सो जो नीचे वाला सिलाई का जितना भी फैब्रिक है हम उसको ऊपर की तरफ रखेंगे गाइस एंड उसी के ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। सो ये देखिए गाइस सिलाई लग चुकी है, देन अगेन यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है हमारा उसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे क्रोच एरिया को। दोनों पार्ट हमें यहाँ पर मिला लेना इस तरह से, ये देखिए देन अगेन यहाँ पर हमें सिलाई लगानी। सो करीब 1 इंच छोड़ देंगे हम यहाँ पर क्योंकि हमें डोरी डालने के लिए यहाँ पर फोल्डेड करना है। सो ये देखिए पहले हम इसको सीधा सीधा ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर एंड ये क्रोच वाला एरिया है इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। सो ये देखिए गाइस हमने मियानी केवल एक पार्ट पर अटैच्ड करी थी, यहाँ से सिलाई लगाने के बाद ये दोनों पार्ट पर स्टिच हो जाती है। सो बहुत ही ईजी मेथड से आपको सिलाई करना बता रही हूँ गाइस आपको मैं। ये देखिए यहाँ पर हम इसको सीधी तरफ पलट लेंगे एंड इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे हम। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर हमने रेडी की है, देन अगेन यहाँ से हम बिल्कुल फिर से सीधा सीधा सिलाई लगा लेंगे। नीचे वाला फैब्रिक हमने एक तरफ ही पलट रखा है गाइस। सो ये देखिए गाइस यहाँ से सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर सिलाई को एक साइड पर उतार लेंगे इस तरह से, ये देखिए। देन अगेन यहाँ से हमने जो नीचे का फैब्रिक है उसको हम एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ रखेंगे अलग अलग करते हुए यहाँ पर एंड अगेन यहाँ पर हमें डोरी डालने के लिए बनाना है। सो ये देखिए चौकोर में सिलाई लगाएंगे, पहले हम यहाँ से लगाया फिर हमने नीडल्स को पलट लेना है यहाँ पर इस तरह से फूड को एंड ये वाली तरफ उतार लेना है। सो गाइस ये देखिए यहाँ से धागा कट करेंगे हम एंड इसको हमें डबल फोल्डेड करते हुए डोरी बनाने के लिए जो नेफा होता है उसे स्टिच कर लेना है। तो पहले हम हाफ फोल्डिंग करेंगे इसकी, देन अगेन फिर से हमें डबल फोल्डेड कर लेना है इसको यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सो बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है हमें गाइस। सो ये देखिए गाइस यहाँ पर हम इसको डबल फोल्डेड करते रहेंगे, पहले हाफ फोल्ड करेंगे देन अगेन फिर हमें इसको डबल फोल्डेड कर लेना है, देन अगेन गाइस हम यहाँ पर इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सो जितना भी हमारा बेल्ट है राउंडली उसको हमें चारों तरफ से फोल्डेड कर लेना है। सो बेसिकली गाइस हम पहले हाफ फोल्डिंग करेंगे उसके बाद डबल फोल्डेड करते हुए हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सो कम्प्लीटली गाइस हम इसको चारों तरफ से गोलाई से रेडी कर लेंगे। सो गाइस ये देखिए स्टिच करने के बाद हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे एंड अगेन गाइस ये देखिए यहाँ पर हमें सेंटर पर कट लगाते हुए इसे ओपन कर लेना है डोरी डालने के लिए। सो ये देखिए डोरी डालने के लिए हमने इसको ओपन कर लिया है, देन अगेन यहाँ पर हमें मोहरी बनानी है। सो मोहरी के लिए हमने ये देखिए बुकरम कट किया है। सो इसकी लेंथ रखी है हमने यहाँ पर 16 इंच एंड हमारी जो तैयार फिटिंग है वो है 14 इंच। सो ये देखिए 16 इंच की हमने लंबाई रखी है एंड चौड़ाई रखी है 1 से 1.25 इंच। सो गाइस मोरी के लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक किसी पर कट करा था, अगर आपके पास कम हो तो अलग से फैब्रिक पर ज्वाइंट करने के बाद भी आप मोरी स्टिच कर सकते हैं। सो ये देखिए पहले हम हाफ फोल्डिंग करेंगे यहाँ से इसकी, फिर उसको डबल फोल्ड करेंगे। सो ये देखिए यह डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। सो ये देखिए गाइस यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्डेड करते हुए हमने दोनों पार्ट साथ में ही अटैच्ड कर लिए हैं
एंड अगेन यहाँ पर हमें इसके किनारे पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए दोनों मोरी जो हमने बुकरम कट किया था हाफ फोल्डेड करते हुए हमने साथ में ही इसको रेडी किया है। एंड गाइज यहाँ पर ये देखिए डबल फोल्डेड कर हमने दोनों कंप्लीट करने के बाद करीब 4 सिलाई लगानी है यहाँ पर मोरी पर हमें। तो ये देखिए हमने यहाँ पर बिल्कुल ऊपर और नीचे दोनों किनारे पर सिलाई लगा ली। एंड अगेन इसके सेंटर पर हमें 2 सिलाई और लगानी। तो ये देखिए ये तीसरी सिलाई है। देन अगेन दोनों मोरी हमें साथ में ही रेडी करना है। तो बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से बताया है सिलाई का मेजरमेंट आपको। सो गाइज इससे बहुत ही जल्दी हमारी सलवार स्टिच हो जाती है। सो ये देखिए गाइज यहाँ पर हमने लास्ट सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल इसके सेंटर पर। तो 4 सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे एंड मैं इसको क्लोज से बताऊंगी आपको कि ये कैसी है। सो गाइज आप चाहो तो इस पर डिज़ाइन या ज़िगज़ैग सिलाई भी लगा सकते हैं। सो ये देखिए गाइज आप पास से देखिए कुछ इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगाई है। एंड अगेन गाइज यहाँ पर हमें इसकी मोरी का जो मेज़रमेंट है वो है 14 इंच। उसका हाफ करेंगे 7 इंच। 7 इंच पर हमें मार्क कर लेना है। सो तिरछा मार्क कर लेना है हमें एंड तिरछी तिरछी यहाँ पर सिलाई लगानी है। सो ये देखिए गाइज यहाँ से हम इस तरह से इसको पक्का करते हुए सिलाई लगाएंगे। सो गाइज ये देखिए इसकी फिटिंग की जो मोहरी है उसका मार्क करते हुए हमने यहाँ पर तिरछी तिरछी सिलाई लगा लेना है एंड दोनों पार्ट को हमें बराबर तरह से मिलाते हुए इसकी सिलाई लगानी है। सो ये देखिए गाइज करीब 1 फुट की सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पर। तो ये देखिए गाइज ये जो हमने कली ज्वाइन करी थी वो वाला फैब्रिक आ गया है यहाँ पर। तो दोनों पार्ट हमें सेम रखते रहना है बराबर तरह से एंड इस पर सिलाई लगानी है। सो गाइज ये देखिए यहाँ पर जो मियानी वाला फैब्रिक है उसे भी हम बराबर तरह से मिला लेंगे दोनों पार्ट को एंड बिल्कुल किनारे पर, सॉरी किनारे पर नहीं, 1 फुट की स्टिचिंग कर लेना हमें। तो ये देखिए गाइज यहाँ पर ये वाली तरफ सिलाई लग चुकी है। देन यहीं से हमें ये वाली तरफ को उतार लेना है सिलाई को। तो ये वाली तरफ भी हमें सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लेना है। एंड गाइज यहाँ पर भी जो हमने मोरी का उधर मेजरमेंट करा था 7 इंचेस पर, तो यहाँ पर भी हमें 7 इंचेस की मार्किंग कर लेना है मोरी पर। तो ये देखिए गाइज बराबर तरह से करते हुए हम 7 इंचेस पर मार्क कर लेंगे यहाँ पर एंड यहीं से हमें पक्की सिलाई लगाकर इसको कम्प्लीटली रेडी कर लेना है। देन अगेन गाइज हमें फिर से डबल सिलाई लगानी होती है। तो आप इस पर 2 सिलाई लगा लीजिएगा। ये देखिए हम यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे। सो इसे हमने जहाँ तक सिलाई लगाई है दोनों तरफ डबल सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर लेंगे। एंड मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ गाइज कि ये बनने के बाद किस तरह से लग रही है एंड कैसा लुक आया है इसका। सो ये देखिए गाइज इसका फाइनल लुक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। एंड गाइज और भी पटियाला सलवार की वीडियो आप देखना चाहते हैं सो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, तो आप जाकर देख लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।